क्या आपकी कमर में भी दर्द रहता है? क्या आप भी सोचते हैं कि क्या इसका कारण है, मुझे ये दर्द हुआ क्यों है और कैसे मैं इस कमर दर्द से छुटकारा पा सकता हूं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर है और आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको कमर दर्द के ऐसे 11 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। और हाँ, सिर्फ कारण ही नहीं बल्कि ऐसे 11 घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगा जो बहुत आसान है और आपके कमर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। छोटा सा बदलाव अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपका कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाए, और इसीलिए ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहला काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरे नए और अच्छे वीडियोज सबसे पहले आप देख सके। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, उन 11 कारणों को समझते हैं। पहला कारण है अनकंफर्टेबल पोस्चर। जी हाँ, आप बैठे कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पोस्चर बहुत मायने रखता है। हम आजकल काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल को लेके बैठते हैं, और सीधी तरह से अगर हम नहीं बैठते, आपका पोस्चर अगर गड़बड़ है तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। कारण नंबर 2, मसल स्ट्रेन। जी हाँ, मांसपेशियों में अगर तनाव आ जाए, अचानक से आपने कोई वजनदार चीज़ उठा ली, अचानक से एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, तो इससे भी आपके कमर की जो मांसपेशियाँ है यहाँ पे तनाव आएगा, आपको कमर दर्द चालू हो सकता है। कारण नंबर 3, स्लीपिंग इन बैड पोजिशन। आप सोते कैसे हैं, आपकी सोने की जो पोजिशन है वो भी बहुत मायने रखती है। अगर आप असुविधाजनक मुद्रा में सोते हैं तो इससे भी आपको कमर दर्द हो सकता है, या फिर आपका बेड सीधा नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं बहुत दिन यूज करने के बाद बेड में थोड़ा सा कर्व आ जाता है। छोटी सी बात है लेकिन इसकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आपको कमर दर्द की शुरुआत हो सकती है। कारण नंबर 4, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ये भी आपके कमर दर्द का कारण हो सकता है। नंबर 5, महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब उनके पेट की साइज़ बढ़ जाती है तो कमर की जो मांसपेशी है उसके ऊपर प्रेशर आता है और काफ़ी महिलाओं को कमर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। नंबर 6, बढ़ती हुई उम्र यानी कि एजिंग। जी हाँ, उम्र के साथ साथ जोड़ों में घिसाव शुरू हो जाता है और इसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। नंबर 7, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर हो जाना हम जिसे कहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है आपके कमर दर्द के लिए, और इसीलिए इस कारण को भी आपने जरूर समझना चाहिए। नंबर 8, स्पाइनल स्टेनोसिस। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी के नैरो हो जाने के कारण या फिर रीढ़ की हड्डी के बीच में जो अंतर होता है, बीच में जो जगह होती है वो कम हो जाती है और उसके कारण आपके नस के ऊपर प्रेशर आने लगता है और ये भी एक कारण हो सकता है आपके कमर दर्द का। नंबर 9, किडनी प्रॉब्लम्स। जी हाँ, अगर आपको किडनी स्टोन है या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको नीचे की जगह पे, निचली जगह पर दर्द हो सकता है। हो सकता है आप इसे कमर दर्द समझे लेकिन ये किडनी से रिलेटेड भी हो सकता है। नंबर 10, स्ट्रेस यानी कि तनाव। इसकी तरफ आजकल हम ध्यान ही नहीं देते लेकिन ये बहुत बड़ा कारण बन चुका है कमर दर्द का। जब आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी कमर की जो मांसपेशियाँ होती है उनमें भी तनाव निर्माण होता है और दर्द हो सकता है। नंबर 11, अदर डिसीजेस। जी हाँ, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर और कोई बीमारी है तो इसमें भी कमर दर्द हो सकता है और इसीलिए इसे भी रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। चलिए कारणों के बारे में तो आप समझ गए, अब जानते हैं 11 आसान टिप्स और कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपाय जिनसे इस कमर दर्द की तकलीफ से आप पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। नंबर 1, गर्म या फिर ठंडे पानी से सेकना। जी हाँ, इस सेक से भी आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। छोटा सा उपाय है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जब आप हीटिंग पैड लेते हैं, हीटिंग बैग लेते हैं, या फिर आपको एक बॉटल लेना है उसमें आप गर्म पानी डाल सकते हैं। जब आप गर्म से सेकेंगे तो जो मांसपेशियां होती है उसे काफ़ी राहत मिलती है, आपका पेन यानी कि दर्द कम हो जाता है। और इसी तरह से जब आप ठंडे से सेकते हैं तो आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है यानी कि सूजन कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी चाहिए, अगर आप गर्म से सेकते हैं तो डायरेक्टली गर्म पानी बोतल में भर के पीठ को नहीं लगाना है, इससे आपकी पीठ जल भी सकती है और इसीलिए उसको थोड़ा देखना है। ऊपर से आप कपड़ा भी लपेट सकते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। नंबर 2, नियमित एक्सरसाइज करना। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को खुद के लिए वक्त ही नहीं है। याद रखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पीठ और पेट की जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती है, मजबूत बन जाती है और आपकी रीढ़ की जो हड्डी है उसे अच्छे से सपोर्ट दे सकती है। नंबर 3, सही स्थिति में बैठना, सही मुद्रा में बैठना। आजकल हम ज़्यादातर वक्त बैठकर बिताते हैं। याद रखिए, आपको स्ट्रेट बैठना है, सीधा बैठना है। जब भी आप काम करें स्ट्रेट बैठे, आपके बैक को आपने सपोर्ट देना चाहिए ताकि आपको बैक प्रॉब्लम ना हो, कमर दर्द ना हो। नंबर 4,
वेट को आपको नियंत्रित करना है। एक्सेस वेट से सिर्फ कमर दर्द नहीं, बाकी और भी तकलीफें हो सकती है, और इसीलिए खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद के शरीर की तरफ ध्यान दीजिए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। अगर आप चाहे तो आप डेफिनेटली वेट कम कर सकते हैं। आप कैसे वेट कम कर सकते हैं इसके बारे में सीखे, इसके बारे में पढ़े और अपना वजन कम करें। नंबर 5, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जी हाँ, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनसे आपकी तकलीफ कम हो जाती है। हम आपकी पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये तकलीफ आपको हुई है इसके बारे में भी समझते हैं। आपको अगर कोई स्ट्रेस है, तनाव है, तो उसके बारे में भी समझते हैं, और फिर आपको दवाई दी जाती है जिससे आपका कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। नंबर 6, योग और स्ट्रेचिंग। थोड़ा वक्त निकालिए, योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपके शरीर में लचीलापन आएगा और आपकी तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी। नंबर 7, पर्याप्त नींद लीजिए। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, याद रखिए नींद आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद अच्छे से ना हो तो आपके पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, कमर में भी दर्द हो सकता है। नंबर 8, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन, ये आपने ज़रूर सीखना चाहिए। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस जीवन का मज़ा ले सके, और इसीलिए आप ध्यान सीख सकते हैं, आपके सांसों का जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं जिससे आपकी तकलीफें कम हो जाएगी। नंबर 9, भारी वजनदार चीज़ें आपने नहीं उठानी है। अचानक से जब आप भारी वजनदार चीज़ें उठाते हैं इससे भी आपको तकलीफ हो सकती है, और इसीलिए वजनदार चीज़ें उठाने से आपने बचना है। नंबर 10, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। देखिए, पानी की कमी से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती है, पानी ही जीवन है, और इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीजिए। नंबर 11, धूम्रपान। जी हाँ, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपने तुरंत इसे छोड़ देना चाहिए। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो रक्त प्रवाह में बाधा निर्माण होती है और जिससे कमर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। आशा करता हूँ ये 11 कारण और 11 उपाय आपके लिए ज़रूर काम के साबित होंगे। इसमें से कौन सा उपाय आपके लिए बहुत कारगर आपको लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तथा इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।